हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं कवर करके दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर आता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। क्वेश्चन ये आता है, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, और फिर आ सकता है कोई अननोन कोएफिशिएंट पढ़ा होगा के, और ये पूछ सकते हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के फॉर नो रियल रूट्स, फॉर डिस्टिंक्ट रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। तो पहले आप इसे कॉन्सेप्चुअली समझ लें। कंडीशन ये है, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, एंड यू नो इट वेरी वेल कि डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जबकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड अ डिस्क्रिमिनेंट व्हिच इज गिवन बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, और कुछ नहीं हो सकता। बट इसमें स्टूडेंट्स गलती कहां करते हैं मैं वो बता दूं। अगर सपोज d ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है, चाहे इवन 0.1 है या 1 लैग है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो v से इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो यहां इसका मीनिंग ये है कि वैल्यूज रियल होंगी, और डिस्टिंक्ट का मतलब है अगर एक रूट आएगा 1/2 तो दूसरा 1/2 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। इसे बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर वैल्यू पॉजिटिव आए तो, चाहे इवन 0.1 भी हो। सेकंड, डी इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके, जो कि इक्वेशन आपको बाद में बताऊंगा मैं, हम दोनों रूट सेम ऑब्टेन कर लेते हैं, -b/2a, -b/2a। इसे बोलते हैं रियल एंड रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड मीन्स अगर एक रूट आ गया 1/2 तो सेकंड भी 1/2 ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। तो यह है अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो। और लास्ट है, अगर बी नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव में चाहे 1 हो, -1 हो, चाहे -1 लैक हो, नेगेटिव अगर आ जाए तो हम लिखते हैं इक्वेशन एज नो रियल रूट्स। दैट इज, आगे सॉल्व करेंगे, नीड ही नहीं है। व्हेन वी से इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, तो फिर को फाइंड करने की भी सेंस नहीं बनती, क्वेश्चन टर्मिनेट्स देयर। बट अगर ये आ जाए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इक्वेशन इज रियल रूट्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूजुअली स्टूडेंट गलती कहां करते हैं, आप ये लिखते हो फॉर रियल रूट्स डी ग्रेटर देन 0, ये पूरा ठीक नहीं है, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड रिपीटेड, तो रियल वर्ड दोनों में है, इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ जाए के फॉर रियल रूट्स तो साइन ये वाला लगेगा, ये या ये अकेला नहीं लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन पहले इजी लेवल के ले लिए, हर टाइप का एक ले लिया, और उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चंस के कवर कर देता हूं, और सारे इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट 2 मार्कर क्वेश्चन है ये वाले, देन 3 मार्कर आ जाएंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो हमेशा जब भी स्टार्ट कर रहा हूं पहले कंडीशन लिखो फॉर रियल रूट्स। तो रियल रूट्स की कंडीशन भी आपको मैंने बताई, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें बी स्क्वायर मींस 36, माइनस 4 × k × 4 × k × 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k और 4k लेस देन इक्वल टू 36 और k लेस देन इक्वल टू 9। आप देखिए कैसे किया, मैं ये कह रहा हूं 36 बड़ा है या बराबर है 4k के। अगर 36 बड़ा है तो यानी ये छोटा है, तो मैं इसे लिख रहा हूं 4k लेस देन इक्वल टू, साइन चेंज कर दिया है 36। ट्रांसपोजिशन का रूल में 4 अपॉन में आ जाएगा, तो k या तो 9 हो या 9 से कम हो, और आंसर मैंने पहले लिख दिया है k शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, तो ये इसका आंसर है। सेकेंड, फाइंड के फॉर इक्वल रूट्स। तो हमेशा पहले कंडीशन लिखो फॉर इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0 इक्वल के लिए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। अब इसमें बी स्क्वायर मींस -5 का स्क्वायर यानी कि 25, -4 × 4 × k शुड बी इक्वल टू 0 और 25 -16k इक्वल टू 0 और 25 is equal to 16k और k is equal to, ये 16 यहां मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k should be 25/16, और अगर ऐसा होगा तो इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। इक्वेशन का, इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है फाइंड के फॉर नो रियल रूट्स। अब ध्यान रखना अगर नो रियल रूट्स आ गया तो डी नेगेटिव वाला होगा, तो वी विल राइट फॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी नेगेटिव और बी स्क्वायर मीन 64 माइनस फोर इंटू फाइव के इंटू टू शुड बी लेस देन जीरो और 64 माइनस 40 के लेस देन जीरो और 64 लेस देन 40 के। अब मैं कह रहा हूं 64 लेस है 40 के से, इसका मतलब 40 के बड़ा है इससे। आगे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 40 के ग्रेटर देन 40 के ग्रेटर देन 64 और के ग्रेटर देन 64 बाय 40 और इसे अगर कैंसिल करोगे ये 8 आ जाएगा ये 5 आएगा तो के ग्रेटर देन 8 बाय 5। और देखो ध्यान से हमने स्टार्टिंग की थी लेस देन वाले साइन से, बट जैसे ही मैंने ये कहा 64 लेस देन 40 के, इसका मतलब 40 के ग्रेटर देन 64, 40 इधर अपॉन में आ गया तो ये इसका आंसर ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन है जिन्हें आप कंसेप्चुअली जरूर समझ के चलो, फिर मैं इसके आगे हायर लेवल के क्वेश्चन कुछ ले रहा हूं। देखिए नेक्स्ट ये थ्री सेट ऑफ क्वेश्चन जो है ये अलग वैरायटी के, डिफरेंट वैरायटी के, इन पर्टिकुलर इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन्हें कॉन्सेप्ट में जरूर सीख लें। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व कर दिया है, इसमें माइनस 4 इज वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल रूट्स देन फाइंड के। तो पहले तो आप ये समझ लें, अगर मान लो मैं कहूं 2 इज वन रूट ऑफ इक्वेशन इट मीन्स इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी जहां भी x था वहां पर 2 प्लेस कर दो। अब इसने कहा माइनस 4 इज वन रूट ऑफ इक्वेशन इट मीन्स हम x की जगह माइनस 4 प्लेस कर दें तो इक्वेलिटी मस्ट होल्ड ट्रू। तो मैंने पहला स्टेप ये किया है, आपको लैंग्वेज में लिखना है सिंस माइनस 4 इज वन रूट ऑफ इक्वेशन हेंस इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो मैंने माइनस 4 प्लेस कर दिया, कैलकुलेशन से p की वैल्यू 3 आ गई। अगर p की वैल्यू 3 आ गई है तो यहां प्लेस की जा सकती है, तो मैंने इसमें p की वैल्यू 3 प्लेस कर दी और इस इक्वेशन का दे रखा है नाउ दिस इक्वेशन जहां पर p की जगह मैंने 3 प्लेस कर दिया दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। फिर ये लिखना सिंस दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देयरफॉर इट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो, इट्स डिस्क्रिमिनेंट और इसका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ऐसे किया 9 इज इक्वल टू 4 के, के इज इक्वल 9/4 और मैंने आंसर लिखा हुआ ये पहले ही तो के 9/4 आएगा तो के की वैल्यू तब इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़े और ध्यान से सोचे क्या करना है इसके अंदर। यह कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो वाज टेकन एज 17, यानी यहां गलती हो गई, इंस्टेड ऑफ 13 एक्चुअल में 13 था, तो आप ये मान लें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 13 तो एक्चुअल में था, ये तो हमें था ये दे रखा था एंड रूट्स वर फाउंड टू बी माइनस 2 एंड माइनस 15, यानी अल्फा लेट अस से अगर माइनस 2 आया तो बीटा हमारे पास माइनस 15 आया। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर, क्योंकि यहां और यहां कोई भी गलती नहीं है, उसने कहा यहां गलती थी तो वी विल राइट सिंस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी वर करेक्ट देयरफॉर प्रोडक्ट शुड बी करेक्ट, तो दैट इज इनका प्रोडक्ट जो ये दो जीरो दो रूट्स हैं इनका प्रोडक्ट आना चाहिए प्लस 13। तो देखिए पहले मैंने बताया इंस्टेड ऑफ 13 यानी यहां वास्तव में 13 था तो प्लेस कर दिया, बट जो रूट्स आए माइनस 2 और माइनस 15 ये ठीक है, रीजन बीइंग ये ठीक था ये और ये ठीक थे तो इसका मतलब प्रोडक्ट ठीक था तो दैट इज यहां 30 आना ही चाहिए था, तो इट इंप्लाइज दैट जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब आपने 30 के फैक्टर्स करने हैं, 30 के फैक्टर्स 10 एंड 3 और दोनों माइनस कर दें तो आप इसके स्प्लिटिंग मिरर टर्म से एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और x कॉमन x माइनस 10 माइनस 3 कॉमन x माइनस 10 is equal to 0, x minus 10 and x minus 3 is equal to 0. इसके बाद यह है whenever product of two real linear factors is 0, then either first 0 यानी x equal to 10
और सेकंड जीरो यानी x इक्वल टू 3, पर देयरफॉर एक्चुअल में करेक्ट इक्वेशन ये थी, ये x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 और उसके करेक्ट रूट्स ये वाले आते माइनस 10 एंड सॉरी ये आएगा 10, हाँ 10 एंड 3 आएगा क्योंकि दोनों माइनस के आ जाएंगे ना, नहीं प्लस के आएंगे, ये प्लस के आएंगे सॉरी ये प्लस के आएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएंगे, आंसर में माइनस ही दे रखा, ये रहा साइन मैंने गलत लगा दी, ये दोनों प्लस आएंगे क्योंकि ये प्लस था। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये आपने ये देखना है कि ठीक क्या था। जैसे इसमें मैंने कहा कि सी ठीक था, तो अगर सी ठीक था तो प्रोडक्ट तो ठीक होगा, तो माइनस 2 और माइनस 15 का प्रोडक्ट लेके 30 करेक्ट पे प्लेस कर दिया और x का क्वेश्चन पहले ही बता दिया 13 होना चाहिए था, वो वहां प्लेस कर दिया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इक्वेशन दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स। तो हम देखते हैं कैसे आएगा इसका आंसर। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, रादर रियल के लिए दोनों लगेगा। तो इसके लिए बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल 0, के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 256। अगर के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 256 है इसका मीनिंग है के ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और के लेस देन इक्वल टू माइनस 16, क्योंकि रूट बोथ साइड लोगे तो इधर वाली फिगर पॉजिटिव की आएगी इधर वाली की नेगेटिव की आएगी। अब लिखा जाएगा फॉर सेकंड इक्वेशन, फॉर सेकंड इक्वेशन इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर मीन 64 माइनस 4 इंटू के ग्रेटर इक्वल टू 0 और 64 ग्रेटर इक्वल टू 4k। तो अगर मैं ये कह रहा हूं 64 ग्रेटर है इसका मतलब है 4k लेस देन इक्वल टू 64 और k लेस देन इक्वल टू 16। तब देखिए दो कंडीशन है, ये कह रहा है या तो k 16 से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, और ये कह रहा है k 16 से लेस हो या इक्वल हो, और ये इसमें भी है और ये इसके पास भी है, बट दोनों इक्वल टू पे तो एग्री कर रहे हैं, ये इस वाले में दोनों इक्वल टू पे एग्री कर रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे 1 एंड 2 एग्री एट k इज इक्वल टू 16, क्योंकि ये वाला साइन इसके पास भी है और ये वाला साइन इसके पास भी है। तो देयरफॉर For k is equal to 16, that is result में ना तो greater than लिखा जाएगा ना less than लिखा जाएगा। इन दो condition को combine करके हम ये लिखेंगे अगर k की value 16 हो तो इस और इस equation दोनों के ही real roots exist करेंगे। तो अभी आपको मैंने first video में सिर्फ एक या दो type के question ही cover करवाए हैं, इसका part 2 और part 3 जब मैं दूंगा तो उसके अंदर थोड़े lengthy वाले क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े harder level क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको invariably RD शर्मा में RS अग्रवाल में जरूर मिलेंगे, तो आप उन्हें concept wise जरूर समझ लें और 101% है कि quadratic में उनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छे लगे concept wise समझ आया हो तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो सो दैट दे मे गेट फुल बेनिफिट, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट 9th और 10th पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।